स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई फेलोशिप की जानकारी लेकर, जिसका नोटिफिकेशंस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी की तरफ से आ रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कितना स्टिपेंड मिलने वाला, कैसे इसमें आपको सिलेक्शन लेना है, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों बात करते हैं डिटेल्स में। डिटेल्स में चलने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों बात करते हैं फेलोशिप्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो फेलोशिप है वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की तरफ से निकाली गई है और यहाँ पर जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लमेटिक टेक्नोलॉजी यूज़ एमंग एडोलेसेंट, इस टॉपिक के लिए दोस्तों यहां पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिसको स्वीकृत दोस्तों आईसीएमआर के द्वारा दी गई है। आईसीएमआर के द्वारा इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत दी गई है। दोस्तों यहां पे जो आपकी पोस्ट है वो जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की है, मतलब जेआरए की दोस्तों यहाँ आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों आपकी पोस्ट जेआरए की है और इसे आईसीएमआर के द्वारा इसे स्वीकृत दिया गया है। और दोस्तों जो आपका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक टेक्नोलॉजी यूज एमंग एडोलेसेंट, ये दोस्तों आपका टॉपिक है, इस पर आपको वर्क करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे जो इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं वो डॉक्टर श्वेता सिंह हैं। दोस्तों डॉक्टर श्वेता सिंह इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे जो आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ, ये दोस्तों आपका डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे जो भी हमारे इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो प्लेन पेपर पे, दोस्तों प्लेन पेपर पे अपना नाम और ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्लेन पेपर पर नाम, एड्रेस और टेम्प्रेरी चीज़ें आपको लिख के और अपनी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापी लगा देनी है। ये देखिए सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापी डिग्री की और आपके जितने भी मार्कशीट हैं, बायोडाटा है, इनकी दोस्तों रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी दोस्तों आपको फ़ोटो कापी सेल्फ अटेस्ट करके लगा देना है। और आपको इस एड्रेस पे दोस्तों यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको 31 जुलाई 2021 के 4 PM से पहले आपको दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर देना है या फिर आपको यहाँ पर भेज देना है। इसके अलावा दोस्तों ये बात करेंगे यहाँ पे जो दोस्तों आपकी जॉब है वो प्योरली टेम्परेरी है, यहाँ पे ये परमानेंट जॉब आपकी नहीं है, ये टेम्परेरी पोस्ट है। और आप अगर इस कंफ्यूजन में कि परमानेंट, तो दोस्तों ये परमानेंट नहीं है, लेकिन जो दोस्त हमारे जे आर ए हैं या जे आर ए कर चुके हैं या इसके बारे में जान रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उन्हें पता होता है कि प्रोजेक्ट वैकेंसी जो होती हैं वो टेम्परेरी ही होती हैं, लेकिन उसमें जो दोस्तों स्टिपेंड मिलता है वो आप एक बेरोज़गारी से अच्छा है कि उसमें आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलता है और एक बहुत अच्छा स्टिपेंड मिलता है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो जेआरए की पोस्ट हैं वो दो हैं, मतलब जूनियर रिसर्च फेलो की यहाँ पे दो पोस्ट हैं। और जो दोस्तों उसमें क्वालिफिकेशंस है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपको स्टिपेंड मिलने वाला है वो आपको यहाँ पर 35,960 रुपये मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपको 35,960 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे एक सोशल वर्कर की भी वहाँ पे आवश्यकता है, एक सोशल वर्कर की आवश्यकता है जिसकी नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं दोस्तों वो सिर्फ एक ही है, लेकिन वहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो आपके पास मास्टर इन सोशल वर्क में आपने मास्टर किया हो तो वही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकता है जिन्होंने मास्टर इन सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर जो पर मंथ सैलरी मिलेगी वो 32,000 रुपये मिलेगी, यानी जो जिन्होंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क में मतलब एमए किया हुआ है उनको यहाँ पे 32,000 सैलरी मिलने वाली है जो सोशल वर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोटिस मतलब मेंशन किया गया है कि यहाँ पे प्रेफरेंस उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स होंगे। सपोज डेट कि आपके पास नेट है, आप नेट क्वालिफाई हैं, आपके पास एमफिल है, आपके पास पीएचडी है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको और आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको दोस्तों ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है। लेकिन अगर आपके पास इतनी चीज़ें नहीं है, नेट नहीं है, पीएमफिल नहीं है, पीएचडी नहीं है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी दोस्तों आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर जो प्रेफरेंस बिल भी मतलब यहाँ पर भी जो सोशल वर्कर्स है उसको भी यहाँ पर दोस्तों प्रेफरेंस मिलेगी जिनके पास हायर एजुकेशन से रिलेटेड मतलब डिग्रियाँ हैं,
जैसे कि उसके पास पीएचडी है या फिर मतलब नेट है या फिर एमफिल है तो और या फिर एक्सपीरियंस है तो दोस्तों यहाँ पे उसको भी प्रेफरेंस मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों पे यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो एनुअल के हिसाब से इंक्रीजमेंट होगा। आईसीएमआर आपकी सैलरी में हर एनुअल इंक्रीजमेंट थोड़ा बहुत होगा ज़रूर उसमें, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस जो लोग मतलब जिनके पास रिसर्च वर्क है उनको यहाँ पे मतलब इस टॉपिक से रिसर्च वर्क संबंधित है तो उनको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे ड्यूरेशन की, तो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है यहाँ पे ड्यूरेशन जो है एम्प्लॉयमेंट की वो 3 ईयर्स की है दोस्तों, ड्यूरेशन 3 ईयर्स की है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा जिसको दोस्तों 4 अगस्त 11 AM पे कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन इंटरव्यू के माध्यम से होगा 4 अगस्त 11 AM पे कंडक्ट कराया जाएगा। और दोस्तों आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो लोग ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपके इंटरव्यू के वक्त आपको अपने डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी लाने हैं ओरिजिनल वो दोस्तों आपको लाना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट बताया गया है कि आपको किसी भी प्रकार का TADA नहीं दिया जाएगा। और आपको एक और पॉइंट है कि आपको किसी भी प्रकार का अलग से कोई कॉल लेटर या सेपरेट लेटर नहीं भेजा जाएगा। आपको उसी वक्त या आपको कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ईमेल के माध्यम से आपके कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आपको दोस्तों पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे उनकी वेबसाइट दी गई है www.kgmu.org पे आप विजिट करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों डाउनलोड PDF हो जाएगी, आप इसे रीड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दोस्तों प्रेस कीजिएगा जिससे कि ऐसे ही वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे दोस्तों ऐसी एक और फेलोशिप और ऐसे एक एडमिशन्स की जानकारी लेकर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।